फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट पोस्टरी। दोस्तों, 11 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रिशियन का, पोस्ट कोड 901। उसका हम जीके पोस्टन देखेंगे, 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कमेंट सेक्शन में दिया है, वहाँ जो आप फुल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है, बाबा कांशीराम वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी बाई। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी उपाधि किसने दी थी? ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गदरीवाला जनसभा हुई थी 1937 में, वहां दी थी उपाधि। नेक्स्ट है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गुरु घंटाल मठ की बात करें तो ये है लाहौल स्पीति जिले में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बाबा भड़भाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बाबा भड़भाग सिंह मेला की बात करें तो ये लगता है ऊना जिले में, जून मंथ में। सिकरी इज अ फोक डांस ऑफ द पीपल ऑफ विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थानों के लोगों का लोक नृत्य है? सही आंसर रहता है ऑप्शन डी, चंबा। हिमालय पर लाल छाया बुक वाज रिटन बाई। हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर रहता है ऑप्शन सी, शांता कुमार जी। हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम कार्यशील है? सही आंसर रहता है ऑप्शन सी, 5। कौन कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? फर्स्ट आती है शिमला, सेकंड आती है धर्मशाला, थर्ड है पालमपुर, फोर्थ है सोलन, फिफ्थ है मंडी। नेक्स्ट है, विच हाइड्रो प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी। हिमाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना की उच्चतम जनन क्षमता है? हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी है पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट है 2051 मेगावाट का। यह है पार्वती नदी पर, जो कि कुल्लू में ब्यास नदी की सहायक नदी है। हिम स्वान प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन। हिमाचल प्रदेश में हिम स्वान कार्यक्रम प्रारंभ किया था 5 फरवरी 2008 में। हिम स्वान की फुल फॉर्म है हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। सैनिक स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सैनिक स्कूल जो है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? सही आंसर रहता है ऑप्शन बी, सुजानपुर, जो कहां पर है, हमीरपुर में। सैनिक स्कूल की बात करें तो ये कब इसकी स्थापना की थी? 2 नवंबर 1978 में। गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाई। गुलेर रियासत की स्थापना की थी राजा हरिचंद ने। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। सिरमौर रियासत का अंतिम शासक था राजेंद्र प्रकाश, ऑप्शन सी। द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वॉज। नूरपुर की बात करें तो नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। बलय वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बलय घाटी की बात करें तो यह है मंडी जिले में। भादल ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भादल हिमनद की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये है कांगड़ा के बड़ा बंगाल एरिया में। वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब इज। चेनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी, ऑप्शन बी। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स आर रिसेंटली प्रोक्योर्ड बाय इंडियन नेवी फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? सही आंसर रहता है ऑप्शन सी, USA। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन इज अ रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था की ताजा पहल है?
सही आंसर रहता है, ये पहल स्टार्ट की है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। डाटाबेस नेम आई फेमिलिया हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आई फेमिलिया नामक डाटाबेस हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रारंभ किया है? ये प्रारंभ किया है इंटरपोल ने। रीजनिंग पोर्शन, ए सी एफ बिलोंग करता है जी आई एल से, वैसे ही सी एच बिलोंग करता है आई के एन से। इन दोनों में सेम कोड है, क्या है? ए प्लस टू देन प्लस थ्री, यहाँ भी सेम यही कोड रहेंगे। मिसिंग टर्म्स इन द लेटर सीरीज आर, लेटर सीरीज में जो मिसिंग टर्म है वो है ऑप्शन सी ए बी ए सी। इफ बॉम्बे इज रिटन एज एम वाई एम वाई, हाउ विल तमिलनाडु बी रिटन इन दैट कोड? उस कोड में तमिलनाडु को लिखेंगे हम एम एन यू एम एन यू एम एन यू। इसमें जो है जो कोड रहेगा वो रहेगा थर्ड और सिक्स्थ, यहाँ पर है थर्ड सिक्स्थ और नाइन्थ। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए जो है सेवन अन्य से भिन्न है, सेवन एक प्राइम नंबर है बाकी जो है नॉन प्राइम नंबर्स है। विच इज कॉमनली कॉल्ड अ पॉलीअमाइड, सामान्य रूप से पॉलीअमाइड कहलाता है नाइलॉन, ऑप्शन डी। अ गैस फर्स्ट एंटर्स इन टू द ब्लड एंड देन लीव्स इट बाय द प्रोसेस ऑफ, एक गैस पहले रक्त में प्रवेश करती है और फिर डैश प्रक्रिया द्वारा इसे बाहर निकलती है। सही आंसर रहता है ऑप्शन ए डिफ्यूजन। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट इज, इकलौता सांप जो घोंसला बनाता है वो है किंग कोबरा। अ ग्लास टम्बलर क्रैक्स वेन वेरी हॉट वाटर इज प्योर्ड इन टू इट बिकॉज, एक कांच का ग्लास चटक जाता है जब अति तप्त जल इसमें डाला जाता है क्योंकि, सही आंसर रहेगा बिकॉज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कांच जो है ऊष्मा का कुचालक है। विच लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड फॉर प्रीचिंग इन महायान बुद्धिज्म, महायान बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा को अपनाया गया था? संस्कृत। द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था मैक्सिनिस। द मुगल रूलर बादशाह टू वाज एक्साइल्ड बाई ब्रिटिश एंड सेंट टू, मुगल बादशाह बहादुर शाह दो को अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया और उसे भेजा गया था रंगून म्यांमार। हु बिल्ट चार मीनार, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार कहाँ पर है? ये मॉस्क हैदराबाद तेलंगाना में, इसे बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने लगभग 1591 में। द फर्स्ट नेशनल लीडर टू अटैक द सॉल्ट टैक्स इन इंडियन लेजिस्लेचर वाज, भारतीय विधायिका में नमक पर आक्रमण करने वाले प्रथम राष्ट्रीय नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1889 वाज, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक अखबार था इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी अदर जजेस बिसाइड द चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीशों से बना है? जब सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में तो उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट में सात जज प्लस एक चीफ जस्टिस था, करंट जो संख्या है वो है 33+1। विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का अवर सदन कौन सा है? लोकसभा जो है लोअर सदन है पार्लियामेंट का, राज्यसभा है अपर हाउस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन हाउ मेनी शेड्यूल्स, भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां है?
ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, करंट में कितने हैं 12। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। क्लोज इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी हैविंग, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ एक अर्थव्यवस्था होता है जिसमें होता है नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कि कोई निर्यात अथवा आयात नहीं। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, बेरिंग स्ट्रेट से। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर ऑफ एयर इज नोन एज, वायु के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा कहलाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो है ग्रीनलैंड। हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन, हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। द शिव समुद्रम वाटरफॉल्स इज ऑन विच रिवर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, सही आंसर है ये है कावेरी नदी पर कर्नाटक में। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ऑप्शन सी हजारडियस। मीनिंग ऑफ द इडियम इन डबल क्विक टाइम इज, इन डबल क्विक टाइम इडियम का जो अर्थ रहता है वो रहता है वेरी क्विकली। सिनोनियम ऑफ प्रेरोगेटिव इज, प्रेरोगेटिव का अर्थ रहता है विशेषाधिकार, तो इसका सिनोनियम होगा प्रिविलेज। यू मस्ट डिस्पेंस विद हिज सर्विस, पावक का संधि विच्छेद है प जमा अक ऑप्शन डी। कानपुरुष में जो समास रहता है वो रहता है द्वंद्व समास। रेशमी में जो प्रत्यय है वो है ई। पीताम्बर का पर्यायवाची है विश्वरूप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।